हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चेलशा। एंड जैसा आपको पता है कि अभी मैं घर आई हुई हूँ, तो थोड़ी सी क्लासेस कम अपलोड हो रही है, जैसे कि पाइथन की क्लास अपलोड नहीं हो पा रही है। एंड जो आपका बीपीएससी एग्जाम है, केवल उसी की क्लासेस अपलोड हो पा रही है, वो भी मैं एक ही क्लास दिन में कर पा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक तो बात हो गई कि आपकी क्लासेस की, तो मैं ट्राई करूंगी, अभी थोड़ा सा सेटल होने में यहाँ पे टाइम लगता है। वैसे मैं 2 वीक्स के लिए आई हूँ, तो आपकी पाइथन की क्लासेस में भी मैं अपलोड कर पा पाऊँ। ठीक है, तो उसका कंटेंट मैं कर रही हूँ रेडी। एक तो इसके बारे में बात बतानी थी, दूसरा किसी ने मुझे एक जो आपका यूपी में वीपीओ वीडियो है उसके मैराथन क्लास के लिए बोला था, तो उसका कंटेंट भी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। उसके भी जल्दी ही आपको एक मैराथन क्लास मिलेगी। एक तो दो बातें तो ये हो गई। ठीक है, तीसरी इन्फॉर्मेशन ये थी कि बीपीएससी के आपको डेली क्लासेस मिलेगी, क्योंकि वो आपका एग्जाम है, तो इसीलिए उसकी डेली क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। जल्दी ही हम आज आपको डीबीएमएस की क्लासेस मिलेगी। ठीक है, एंड कंप्यूटर नेटवर्क के जितने भी आपके बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी तीन बातें। फोर्थ क्या है इंपॉर्टेंट बात, कि जो आपका चंडीगढ़ टीजीटी का जो आपका फॉर्म निकला है ना, आप इसके जल्दी ही फॉर्म एक्टिव होने वाले हैं, तो काफी स्टूडेंट्स के उसके रिगार्डिंग मैसेज आए थे कि क्या मैम चंडीगढ़ पीजीटी वाली प्लेलिस्ट जो हमने आईसीटी के लिए बनाई है, वो इसके लिए भी हम पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं ना। तो देखो, मैंने सिलेबस चेक किया है चंडीगढ़ टीजीटी आईसीटी का सिलेबस, उसमें ना सिर्फ इतना ही मेंशन है कि आईसीटी एंड 12 क्वेश्चंस है ना, लेकिन जब मैं डिटेलिंग सिलेबस को सर्च कर रही हूँ, तो काफी जगह पे मुझे, जैसे अगर स्पेशल एजुकेटर टीजीटी की बात करें, तब तो आपकी वो कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो सिलेबस सेम रहेगा। अगर वही स्पेशल एजुकेटर वाला आईसीटी का सिलेबस आपकी अभी जो टीजीटी के फॉर्म निकले हैं वो सेम है, तब तो आपकी कंप्लीट प्लेलिस्ट रहेगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब मैं टीजीटी का एक्चुअली मैं गूगल पे सर्च मार रही हूँ ना, चंडीगढ़ टीजीटी आईसीटी सिलेबस, तो मुझे कुछ और ही सिलेबस दिखा रहा है, तो इसीलिए मुझे उसमें थोड़ा सा डाउट है। एक बार चंडीगढ़ वाले अपना जनरल अवेयरनेस का सिलेबस एक बार अपडेट कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड मैं भी आपको और अच्छे से बता पाऊंगी। तब तक के लिए वो आईसीटी की क्लास आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है वो तो पढ़ना है ही, कुछ एक्स्ट्रा होगा वो हम जरूर करेंगे। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन वहां से स्टार्ट कर सकते हैं।